जो मैं कब डाल रही हूँ रात में या नहीं, बट अब मॉर्निंग में रिकॉर्ड कर रही हूँ. सो गुड मॉर्निंग. एंड टुडे इज़ आर डे थर्ड. एंड आज हम लोग जा रहे हैं, कुछ तो हार्ड सा नाम है उस जगह का, आई डोंट रिमेम्बर. वहाँ पे देर इज़ अ डैम एंड जो उसका रास्ता है इट्स वेरी प्रिटी एंड वन चर्च एंड सम अदर प्लेसेस. दिस इज़ द व्यू फ्रॉम माई बालकनी एंड सी हाउ प्रिटी. हम लोग अपनी, सो वी आर स्टॉपिंग एट CSI चर्च विच वॉज इन द मिडवे. दिस इज इट. काफ़ी पुराना है ये एंड this is how it looks from the outside. बोटैनिकल गार्डन, इसका टिकट है 50 पर पर्सन. एंड यहाँ पे सुंदर सुंदर फ्लावर्स. सी हाँ, जाओ चेकआउट कर लो चेक. ये ऐसा पूरा रास्ता था नीचे उतरने का और उधर से ऐसे चल तो गए. हम तो चढ़े तो नीचे तो उतर गए थे, अब ऊपर चढ़ने में इतनी मौत आ रही है, ऊपर बिल्कुल भी नहीं. थक गए यार, हद हो गई आज तो. मतलब उस टाइम पे तो मुझे लगा कि वहाँ पे ना वो हो रहा है, जिप लाइनिंग हो रही है, तो मैंने सोचा था जिप लाइनिंग करूँगी, बट वहाँ पे सिर्फ कंस्ट्रक्शन हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा है. और अभी हम धीरे 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 करके सब लोग ऊपर जा रहे हैं. पापा तो बहुत पीछे हैं. मम्मी अभी हमें और जाना है, वहाँ पे जाना है कहीं, तो एग्जिट है इसका. तो सिग्नल ही नहीं आ रहा बिल्कुल, तो नहीं आ रहा था मतलब आपको कुछ. मैं अपने फोन से अच्छे अच्छे लैंडस्केप की फोटो खींच रही हूँ, मैं तुम्हें भेज दूंगी. ये बैग अपना पीछे फेंक. अरे वो अपने फोन से उनको खींचने दो, अपने से उनका भी हाथ बहुत साफ है. अरे है बट मेरे फोन का कैमरा अच्छा है ना. मेरा अच्छा है तो सारे बेकार हो गए क्या? नहीं अरे यार एकदम ही मतलब बेकार हो. चलो हटो तो रास्ते में से. मोर टी गार्डन्स एंड हम लोग बीच में रुक गए हैं यहाँ पे फोटो खींचने के लिए. पापा के फ़ोन में सिग्नल नहीं आ रहे, तो वो ऑटो वाले भैया के फ़ोन से बात कर रहे हैं किसी से. लुक एट द प्लेस, सो प्रिटी, सो ब्यूटीफुल. आई मतलब मैं यहाँ पे आई कैन सिट हियर फॉर आवर्स. एंड वेदर बहुत अच्छा है, ऐसा लग रहा होगा आपको कि गर्मी हो रही है बट बहुत ठंडी हवा चल रही है. इफ़ यू आर प्लानिंग टू विजिट, आई थिंक अभी तक आप आ सकते हो, लाइक ये मिड फेब्रवरी एंड ऑब्वियसली डिसम्बर जनवरी तो बेस्ट टाइम्स हैं. इसके बाद अगर आप आओगे तो यहाँ पे बारिश होने लगती है, सो देर इज नो पॉइंट ऑफ कमिंग. बट या यू कैन कम हियर टिल मिड ऑफ फेब. दिस इज हाउ इट लुक्स, टी गार्डन्स ऑल अराउंड. लोगों का टिकट वॉज 60 rupees एंड दिस इज हाउ इट लुक्स. इसमें आप एक्चुअल में अंदर भी आ सकते हो. फोटो
इसकी रूट्स देखो कितनी कितनी शाखाएं निकल जाती है, कितनी गहरी वो है। अभी हम लोग यहाँ से निकल गए हैं लॉकहार्ट टी गार्डन, हाँ सो मैंने पूछा उनसे एंड यही एक जगह है, यही एक टी गार्डन है जहाँ पे आप अंदर जा सकते हो। इसके अलावा और कुछ टी गार्डन में आप अंदर नहीं जा सकते। एंड मैंने मैं दिखाती हूँ ये ऐसे फ़ोटो बनवाई, हाँ ऐसे दिख रहा है, और एक ही मम्मी की है। ये नाम है इस जगह का जो मुझे सुबह से याद नहीं आ रहा था, मैंने फाइनली पूछा है कि क्या नाम है इस जगह का। सो हम लोगों ने अभी तक तीन डैम देखी हैं, कल हमने दो देखी थी एंड आज ये देखी है, एंड आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट वन क्योंकि इसका पानी इतना अच्छा है ना। सी इट लुक्स एकदम ब्लू ब्लू दिख रहा है, एंड ये थोड़ा मतलब काफ़ी दूर है मेन लैंड से तो इसीलिए यहाँ पे भीड़ भी नहीं है बिल्कुल भी। सी अभी तो बस हम ही तीन लोग हैं पूरे डैम पे, अभी हम ही तीन लोग हैं बस। इसका जो मतलब रास्ता आते हुए भी बहुत अच्छा है, आप लोग बहुत जगह रुक के मतलब ऐसे फ़ोटो वोटो खींच सकते हैं। यहाँ पे बोटिंग नहीं होती ऑल दो, सडन चेंज ऑफ प्लान्स मतलब चेंज ऑफ प्लान्स नहीं, हम लोग अपने होटल जा रहे थे अब, एंड अब हम लोग हॉट एयर बलून में जा रहे हैं। मम्मी नहीं जा रही हैं, मैं और पापा जा रहे हैं, बट उसमें भी ये है कि अगर हवा चलेगी तो नहीं जा सकते, जो हमने अभी टिकट लिया है वी कैन यूटिलाइज दैट इन द मॉर्निंग ऑल्सो। दिस इज़ द एरिया जहाँ पे होता है एक उसमें हॉट एयर बलून में अराउंड मतलब अप टू 4 पीपल जा सकते हैं, 250 मीटर हाइट तक जाएगा, मुझे लगा था और ऊंचा जाएगा बट 250 मीटर इज़ लाइक अराउंड 20-25 फ्लोर्स। अभी देखते हैं अगर हवा चलेगी तो अभी नहीं करेंगे, कल सुबह के कर लेंगे बिकॉज ये जो है ये हमारे होटल से बस वॉकिंग डिस्टेंस पे ही है। हम लोग अपने ऑटो में हैं क्योंकि हमारा प्लान कैंसिल हो गया है, मतलब हमारा क्या हुआ है उन लोगों ने मना कर दिया, पैसे वापस दे दिए क्योंकि हवा चल रही है, तो उन्होंने बोला कि अभी नहीं हो सकता आप मॉर्निंग में आना, तो आप कल मॉर्निंग में पता नहीं आएंगे नहीं आएंगे। वैसे ये जगह हमारे होटल से पास में ही है, आ तो सकते हैं, बट उस टाइम पे उठना इज़ द बिग डील क्योंकि आज भी हम लोग जल्दी सुबह ही उठे थे। मेरा यार बहुत मन था, मैंने मतलब आज तक नहीं किया हॉट एयर बलून, 5-7 मिनट्स का होता है टोटल, बट वो ये है अभी हवा चल रही है, वैसे इतनी ज़्यादा नहीं है हवा बट वो बोल रहे हैं कि चल रही है तो अभी नहीं हो सकता। तो हम सब वापस आ गए, फास्ट फॉरवर्ड चेंज करके आई एम चिलिंग इन बेड, मतलब वैसे मैं नीचे सो रही हूँ बट ठीक है बेड ही है। कल हम लोग वापस जा रहे हैं कोची, देन उसके नेक्स्ट डे मम्मी पापा जा रहे हैं दिल्ली वापस, फिर मेरी फ्लाइंग शुरू है। आई वाज ऑन लीव, मेरी 8 दिन की छुट्टी थी, मस्त मैंने उसका यूटिलाइज करा है। दिस व्लॉग इज़ एंडिंग हियर, थैंक यू इफ़ यू केम हियर, इट मीन्स अ लॉट टू मी। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल and do share the video if you like it, and if you like it then please like the video, don't forget to be kind to everything that lives, bye.